आज जगन्नाथ यात्रा का जो उत्सव प्राचीन काल से जगन्नाथपुरी में हो रहा है, वह आज दिल्ली में भी हो रहा है। आप सबका, हम सबका ये सौभाग्य है कि हम इसमें सहभागी हो पा रहे हैं। तो ये जो उत्सव है उसका महत्व क्या है, उसका हमारे जीवन में क्या उसका सिग्निफिकेंस, उसका क्या संदर्भ है, इसकी चर्चा मैं आज करूँगा और चार पहलुओं से करूँगा मैं इसके बारे में। इंग्लिश में एक्रोनिम कहते हैं, तो आज का उत्सव कौन सा रथ यात्रा उत्सव है, तो मैं चार विषय से जुड़ा RATH रथ। तो यह जो उत्सव है, आर है रिसोर्सफुलनेस, साधन सक्षमता, इसका भाषांतर है, ठीक है। रिसोर्सफुलनेस मतलब बुद्धिमत्ता, उपयुक्त किस तरह से हम ढूंढना है इस चीज को। तो अभी क्या है, साधारणतया हमारे जीवन में रोज की जो दिनचर्या होती है उसमें कुछ ही समय के बाद हम थोड़े बोर हो जाते हैं। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में था, उसके पहले अमेरिका में था। तो अमेरिका में मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस में था, तो वहाँ पे एक वैज्ञानिक बता रहे थे कि जो अधिकांश लोग होते हैं उनकी जो खास पाश्चात्य देशों में बहुत ही खुशी से ज़रूरतें काफ़ी पूरी हो चुकी है, तो जो मानसिक स्थिति होती है उनकी कैसे होती है, तो उनके जीवन में 5% समय वो खुश रहते हैं, 5% समय वो दुखी रहते हैं और 90% समय वे बोर्ड रहते हैं। बोर होता है और पूरा जो मनोरंजन का इंडस्ट्री है उसका कारण है कि बोर्डम। तो क्या है, जो उत्सव होते हैं ये प्राचीन समय से एक ऐसा धार्मिक और दिव्य प्रसंग होता है जिसमें हमारी रोज के दिन में जो थोड़ा बहुत बोर्डम, थकावट, आलस या ऊब जाते हैं उससे हमको एक ब्रेक मिलता है। पर ये जो ऐसा ब्रेक है जो हमारी चेतना को ऊपर उठाता है, अनेक प्रकार से हम ब्रेक प्राप्त कर सकते हैं। पर जो उत्सव होते हैं प्राचीन समय से आ रहे हैं और जो भारत भूमि है उसमें अनेक उत्सव है जिसमें हम भगवान को केंद्र में रखते हुए हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक सारी जो पहलुएं हैं वो सब हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो जगन्नाथ रथ यात्रा का जो उत्सव है उसका उगम है हजारों हजार साल पहले और यह है भगवान कृष्ण और गोपियों के संबंध में। तो भगवान कृष्ण वृंदावन में सारे ब्रजवासियों के साथ बड़े आनंद से रह रहे थे, पर जीवन का यही नियम है कि हर चीज बदलते रहती है। द ओनली थिंग दैट डजंट चेंज इज चेंज, एक ही चीज जो नहीं बदलती है वो क्या है, बदल। बदल हमेशा हो जाता है। तो वृंदावन में सब बड़े आनंद से रह रहे थे पर कृष्ण को वृंदावन छोड़ जाना पड़ा क्योंकि बड़े बड़े असुर थे और बड़ा विध्वंस कर रहे थे। तो छोड़ के चले गए मथुरा, मथुरा से द्वारका चले गए और ब्रजवासी बड़े विरह में वो विचार कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे कब कृष्ण वापस आए। तो फिर कुरुक्षेत्र में ग्रहण का समय था और उस समय में द्वारका से कृष्ण और द्वारकावासी आ गए, वृंदावन से गोपियां और राधा से ब्रजवासी आ गए। और जब उन्होंने कृष्ण को वहां पे देखा तो बड़ा आनंद हुआ उन्हें, पर फिर भी वो आनंद की पूर्ति नहीं हुई थी क्योंकि जो वृंदावन का भाव है वो ऐसा भाव है कि जिसमें भगवान अपना भगवत्व नहीं दर्शाते, भगवान अपना ऐश्वर्य नहीं दर्शाते हैं। जब दोस्तों 250 साल पहले
पाश्चात्य देश से यूरोपियन लोग आए थे और उन्होंने भारत के बारे में जहाँ शिकार कर रहे थे तो वो दिल्ली मथुरा वृंदावन की ओर आए और उन्हें कई मंदिरों के दीवार पे चित्र देखे तो उन्हें देखा कि एक बड़ा ही मोहक बालक और चित्र कई जगह पे देखे उन्हें पूछा तू ये कौन है ये भगवान है अभी पाश्चात्य संस्कृति भगवान संकल्पना होती है कोई ऐसे बड़ा ही बुद्ध व्यक्ति है लंबी दाढ़ी है आसमान में बादलों पे खड़ा बैठा है और जो भी पाप करते हैं उन पे वज्र का प्रहार करके उनको नरक में भेज देते हैं कभी वो संकल्प ये भगवान और ये छोटा बालक ये भगवान कैसे कर क्या रहे तो ये मक्खन चोरी कर रहे चोरी करते हैं और चोरी के अंदर करनी है तो मक्खन की तो जो उनका जो दिमाग था वो शॉर्ट सर्किट हो गया और समझ में आया क्या हो रहा है जो कृष्ण की जो भक्ति था भक्ति परंपरा में जो भगवान का दर्शन किया गया दर्शन किया गया है कि भगवान कृष्ण वृंदावन में वो अपना भगवत तो नहीं दिखाते वो अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाते जो भी भाव अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए जरूरी है वही भाव दिखाते हैं जब भी जरूरी है वो इतनी शक्ति दिखा देंगे कि वो एक पूरे पहाड़ को उठा देंगे कौन सा पहाड़ है वो पर जब उनकी माँ बताती है उनको ठीक आप अपने पिताजी के सैंडल्स है वो लेके आओ तो कृष्ण उठाने का प्रयास करते हैं और उनके हाथ कांपते हैं मान लीजिए बहुत बड़ा बोझा है उठा नहीं सकते तो जो भी अपने भक्तों से प्रेम करने के लिए के आदान प्रदान करने के अनुकूल है जब शक्ति चाहिए शक्ति दर्शा लेंगे जब अशक्त भाव दिखाना है जिससे कि कोई बच्चा बहुत मासूम है कमजोर है तो उससे क्या होता है स्नेह बढ़ जाता है तो फिर भगवान दिखा दे उसे तो गोपिया ने थी वृंदावन में कृष्ण को एक ग्वाले एक गोपाल के रूप में उनका प्रेम था और यहाँ पे कृष्ण द्वारका के कुमार द्वारका के एक बड़े नेता के रूप में आए थे तो उनको वो भाव कुछ जचा नहीं है सिर्फ उन्हें मन में विचार किया कि हम कृष्ण को वृंदावन ले जाएंगे और कृष्ण को वृंदावन ले जाएंगे तो कैसे ले जाएंगे तो वो ऐश्वर्य और माधुर्य वो रथ के उत्सव में दोनों का समन्वय वो भगवान और कृष्ण को वृंदावन ले जाने के लिए दोनों का समन्वय करना चाहिए तो इसलिए उन्होंने क्या संकल्पना की कि भगवान को हम रथ पे बिठाएंगे साधारणतः रथ जो होता है वो घोड़ों से खींचा जाता है व्यापी रथ यात्रा ज्ञान रथ यात्रा थी वहाँ भी थोड़ा सही है पर तो रथ होना ये ऐश्वर्य का भाव है पर गोपियों का भाव था कि हम ऐश्वर्य से माधुर्य की ओर भगवान को ले जा रहे हैं तो इसीलिए वो उन्होंने संकल्पना की कि हम ये रथ को खींचेंगे अपने खुद की आंखों से तो वास्तव में उनकी संकल्पना क्या थी कि वृंदावन को हम ले जाएंगे कृष्ण को With the labor of our hands and the love of our hearts, कि हमारे हाथों की ताकत से और हमारे हृदय के प्रेम से हम खींच के जाएंगे तो ये जो रथ यात्रा का उत्सव है उसमें भक्त भगवान के रथ को खींच रहे क्योंकि गोपियों ने वृंदावन में एक भगवान को ले जाने के लिए खुद खींचने की संकल्प की थी तो जब भक्त भगवान को ले जाना चाहते हैं ब्रजवास ले जाना थे कृष्ण को तो ब्रजवास ही तो साधारण लोग उनके पास घोड़े नहीं है बड़े अरे कृष्ण हम इतने उतावले हैं कि आप हमारे साथ आ जाओ तो वो घोड़े नहीं होते खुद घोड़े बन जाते हैं उसके लिए और वो भगवान को ले जाते हैं अब ये भगवान कृष्ण है पर उनका जो रूप है वह बड़ा विलक्षण है
भगवान जो है वो विलुप्त जाते हैं, उनके आखे कल के दल के समान है। परहावतम समसितम बुध सुंदरांगम, वो जो है मोर मोर पग होता है उनके सिर पे, कपड़ा ही सुंदर। जगन्नाथ जी का रूप जो है वो भगवान कृष्ण से काफी अलग है। तो यह जो है कि मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ, पहले बता गोपियाँ रिसोर्सफुल थी, इस तरह से वो कृष्ण को जा रहे। दूसरा बात मैंने बोला अट्रैक्टिवनेस, तो भगवान जो है वह अपना सौंदर्य अलग अलग पद्धतियों से दिखाते हैं। तो इसके पीछे भगवान का जो रूप है, भगवान कृष्ण थे वह जगन्नाथ कैसे बन गए, इसके इस रूप में प्रकट कैसे हुए, वो तो एक बड़े महान राजा थे हिंदू में, और उनकी इच्छा थी उनको उनकी हमें एक बड़ा मंदिर बनाना है, और बड़ी लंबी कहानी है वो। पर प्रधान भाव यहाँ पर यह है कि उनको एक बहुत ही पवित्र लकड़ी पास की नदी सागर में मिल गई, तो उन्होंने वो लकड़ी से भगवान के विग्रहों को बनाने की इच्छा की, और प्रार्थना से वहाँ पे एक बुद्ध शिल्पकार आ गए जो वास्तव में देवताओं के शिल्पकार। देवताओं के शिल्पकार कौन है? सॉरी, तो विश्वकर्मा वहाँ पे आ गए। विश्वकर्मा कर्मा को कर्म करते हैं, विश्व तो विश्व को बनाने का कर्म करते हैं, वो आ गए वहाँ। और जब वहाँ पे आ गए तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे काम में व्यक्त न, मुझे जितना समय लगेगा उतने समय में तुम बिल्कुल अंदर नहीं आना, कि मुझे तो जब इस तरह से वो काम करने लग गए तो उनका भाव था कि भगवान में पूरा ध्यान देकर भगवान के इस सुंदर रूप को जो विग्रहों को वहां प्रकट करते हैं, इस भाव से वो कार्य कर रहे थे। तो कुछ ही सब कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद अचानक आवाज बंद हो गया। एक अभी ये थे बड़े उतावले थे कि कब भगवान का दर्शन होगा, सिर्फ कुछ समय के लिए रुका और समय के लिए रुके और समय के लिए रुके, अब कुछ भी आवाज नहीं आ रही। तभी क्या करें, क्या करें, और क्या सब काम चल रहा है अंदर नहीं चल रहा है। तो उनका जो उत्साह था वो उत्साह इतना था कि उसको रोक नहीं पाए। आज उन्होंने इस कमरे में विश्वकर्मा कर्म कर रहे थे अपना, वो खोल दिया अंदर आए, और तभी उन्होंने देखा कि वहाँ पे विश्वकर्मा नहीं है, और ऐसे विग्रह है जो मानो आधे बने हुए। तो ऐसे विग्रह है जिनके कान नहीं है, जिनके हाथ आधे लग रहे हैं, और बड़ा विलाप करने लगे, क्या कर दिया मैंने, विग्रह प्रकट होने वाले थे और उसके पहले ही मैंने यत्र डाल दिया। और वो देखने लगे कहाँ है विश्वकर्मा, मुझे पता नहीं था विश्वकर्मा है, शिल्पकार है, कहाँ पाया वो, कहाँ कहीं निकल, और उस कमरे में कोई रास्ता नहीं था। तभी मेरा हृदय दिव्य हो गया, वो अदृश्य हो गया, और फिर और ग्लानि करने लगी, क्या कर दिया मैंने। उस समय उनको ब्रह्मा जी के द्वारा पता चल गया कि यही जो रूप है ये शाश्वत रूप है। तो कभी कभी जब हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, जब हम कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तो कभी कभी उत्साह में हम कुछ गलती करते हैं, बड़ा उत्साह होता है, और उत्साह के कारण हमारा उद्देश्य गलत नहीं होता है पर कार्य गलत हो जाते हैं। जब भक्तों ने सबसे पहले प्रभुपाद जी के शिष्यों ने अमेरिका में रथ यात्रा की 1968, इसके बारे में बाद में और विस्तार में बोलूँगा, पर फिर उसके बाद में भक्त लंदन में गए थे और लंदन में रथ यात्रा करना चाहते थे। तो लंदन में रथ यात्रा कर रहे थे वे, फिर मैंने सोचा कि अभी अमेरिका में जितनी बड़ी रथ यात्रा बनाया था उससे और बड़ा रथ हम बनाएंगे, और उससे उससे और बड़े हम विग्रह लाएंगे। तो और बड़े विग्रह लाए और बड़ा रथ
पर क्या हुआ, उनका उत्साह इतना था कि उन्होंने रथ के जो पहिए थे वो उतनी ही मात्रा रख दिए उसका। तो अभी रथ चालू हो गया, बड़ा उसका प्रतिपादन किया था, पब्लिसिटी की थी। और जैसे ही रथ चालू हो गया अचानक रथ के जो पहिए थे वो टूट गए। बड़ी समस्या आ गई, कहते उन्होंने सब कुछ मैनेज कर लिया। पर बाद में अपने भक्तों ने भगवान प्रभु जी को जी कहा, व्यक्ति आ गया उसके पहिए टूट गए, वॉज इट बिकॉज ऑफ अवर पुअर डिवोशन, कि हाँ हम इतने बुरे भक्त हैं, हमारी भक्ति कम है, इसलिए ऐसे पहिए टूट गए। तो प्रभुपाद जी ने बोला, जवाब जवाब लिखा, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ योर पुअर डिवोशन, इट वॉज बिकॉज ऑफ योर पुअर इंजीनियरिंग। आपका जो इंजीनियरिंग था वो सही नहीं था, पर जो भाव था वो सही था। तो भगवान इतना एक्सपर्ट होते हैं कि भले ही हमारा भाव सही हो, कभी कार्य गलत भी हो जाए, तो अगर हम सेवा भाव नहीं छोड़ते हैं तो फिर हमारी गलती को भी भगवान सही कर सकते हैं। ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं शास्त्रों में कि भक्त कभी कभी बाह्य दृष्टि से लगता है कि गलती कर दी, कैसे हमें कहते हो, हमें लगता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि मेरे जीवन का विनाश हो गया, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। पर भगवान की योजना इतनी बड़ी होती है कि हमारी कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि हमारे कि भगवान की योजना में वो बंद डालते। गॉड्स प्लान इज ऑलवेज बिगर देन आवर बिगेस्ट मिस्टेक्स। हमारी गलतियाँ होगी उनका परिणाम होगा, पर भगवान की योजना इतनी एक्सपर्ट है कि हमारे गलतियों से भी भगवान अपनी योजना आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ तो जैसे मान लीजिए इसका उदाहरण है कि अगर आप यहाँ से मंदिर जा रहे हैं तो आप जीपीएस कार में हैं, जीपीएस यूज करते हैं, तो फिर आपको जीपीएस लग रहा है अभी आप राइट में मुड़े, और मान लीजिए आप लेफ्ट में मुड़ जाते हैं, तो अगर आप राइट में मुड़ना है और लेफ्ट में मुड़ जाते हैं तो जीपीएस क्या करता है, रीराउट करता है, आप ऐसे जाओ, क्या जीपीएस कहता है तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, दफा हो जाओ, यू विल गो वे वी गेट लॉस्ट। जीपीएस के जैसे नहीं करता है। तो उसी तरह से जो भगवान है, भले ही हम कभी गलती कर देते, भगवान की योजना जो है भगवान हमें बताते नहीं है। तो भले ही एक बाह्य दृष्टि से इंद्रदेव महाराज उतावलापन था, उसका उतावला भाव था, उसके कारण विश्वकर्मा तो चले गए, पर जो भगवान का रूप प्रकट हुआ वह अधूरा या गलत नहीं था। जो भगवान की योजना के अनुसार ही उनका भी कार्य हुआ। और जगन्नाथ जी का जो आकर्षण है, जो अट्रैक्टिवनेस है, वह दिव्य है। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने, कि भगवान के अलग अलग रूप है, उनको हम अलग अलग दृष्टि से देख सकते हैं। और भगवान जब प्रकट होते हैं अलग अलग प्रकार के भक्तों को अलग अलग रूपों से आकर्षित करते हैं। यद्यद्धिया तु गुरुकाय विभावयन्ति तत्तत्व को प्रणय से सदनुग्रहाय। ब्रह्मा जी प्रार्थनाओं में बताते हैं कि जो भक्त जिस जिस भावना से भगवान की पूजा करना चाहते हैं उन उन उस भावना का साथ करते हुए भगवान उसी प्रकार के रूप में पूजा जाते हैं। तो यहाँ पे जगन्नाथ जी का जो रूप है वह एक विलक्षण रूप है, उसे भगवान प्रकट होते हैं अपने सौंदर्य का एक अद्भुत प्रकटीकरण। जगन्नाथ जी जो है कि वो भगवान का बहुत ही एक तरह से सरल रूप है, बहुत बड़ी आँखें हैं, पर जो बड़ी आँखें हैं उससे क्या है, वह सारे भक्तों को बताते हैं कि मैं आप सबको देख रहा हूँ। इसका भाव क्या है, मैं आप सबको देख रहा हूँ। विष्णु सहस्र नाम जो है उसमें दो भगवान के नाम आते हैं, अनिशो निविश स्वाग्री व
अनिमिष मतलब जो भगवान कभी ब्लिंक नहीं करते. व्हाट इज ब्लिंक? भगवान पलक, भगवान पलक नहीं झपकते. अनिमिष मतलब भगवान पलक झपकते. ये दो विरुद्ध नाम क्यों है? इसका भाव ये है कि बलदेव विद्याभूषण ने विष्णु सहस्र नाम का तात्पर्य लिखा है. उसमें बताते हैं वह कि जब भक्त अपने भक्ति में कोई गलती कर देता है तो भगवान अपने पलक झपकते हैं और वो गलती को देखते नहीं है. इसका उदाहरण है जिससे कूदना आई थी, वो आई थी इसलिए भगवान को भिष्ट नहीं थी, पर भगवान ने उसका जो नकारात्मक भाव था वो नहीं देखा, उसने खाली देखा नहीं खात्री के रूप में आई. तो भगवान ने अपनी आंखें बंद करके उसका दोष जो था वो नहीं देखा. और जो भगवान की आंखें हैं जब अनिमिष है कभी वो पलक नहीं झपकते, उसका मतलब क्या है कि अगर भगवान कोई, अगर कोई भक्त भगवान की सेवा कर रहा है तो फिर भगवान अपनी आँखों से छोटी सेवा जो होती है उसको भी देखते हैं, उसको भी नोट करते हैं और हर एक सेवा का जो है भक्त को फल देते हैं. जब कृष्ण और अर्जुन हस्तिनापुर में थे वे वो बातचीत बात कर रहे थे और उस समय है द्रौपदी वहाँ पे आ गई. देखा कि वो बातें कर रहे हैं कुछ, तो फिर वहाँ पर कुछ फल रख दिए उन्होंने और चले गए. और जब जा रहे थे द्रौपदी तो कृष्ण ने वो फल उठाया और वो वहाँ पर चाकू से काटने लगे. जब काट रहे थे चाकू के हाथ से चल गया और वहाँ पर उनकी उन्नीस तरह खून आ गया. तो द्रौपदी ने देखा दौड़ते हुए आ गई और अपना जो रेशम का सारी उससे उसने तुरंत बिना किसी कुछ परवाह के उसको फाड़ा, भगवान को बांध दिया. जब उंगली को इससे बांध दिया द्रौपदी भी चिंता में थी पर भगवान के चेहरे पर एक स्मित था और भगवान ने कहा कि द्रौपदी जो तुम्हारी सेवा की है ये मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा. आई विल रिपे यू फॉर दिस. मैं इसका इंतजार करूँगा. और कब किया उन्होंने सर? जो सभा में उनका वस्त्र ग्रहण का प्रयास हो रहा था तभी भगवान ने अनंत वस्त्रों को प्रदान कर दिया. तो जो जगन्नाथ है वह अनिमिष भाव में है. वह जब रथ पे आते हैं तो उनकी बड़ी आंखें खुली होती है और कोई भी उठनी की छोटी सी सेवा कर रहा है वह सबको देखते हैं. और हमें जब हम रथ यात्रा में सहभागी होते हैं जिस तरह से गोपियां भगवान को वृंदावन ले जाने के लिए आती हैं हम सब उसी भाव में सहभागी होते हैं. और जगन्नाथ जी का जो प्रेम है जो वही उनका सबसे बड़ा सौंदर्य है और वो उनकी विशाल आँखों से प्रदर्शित होता है. और फिर हम क्या एक्रॉनिम देख रहे हैं रथ? तो टी जो है टाइमलेसनेस. टाइमलेसनेस मतलब क्या कि ये जो भगवान का जो प्रेम है, भगवान की जो लीला है वह किसी काल से बद्ध नहीं है. वे 5,000 साल पहले भगवान इस धरती पर आए थे पर भगवान केवल उस समय थे ऐसे नहीं है. भगवान हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं और जो भगवान की लीला है वह इट एग्जिस्ट बियॉन्ड हिस्ट्री, इट मैनिफेस्ट इन हिस्ट्री एंड इट मैनिफेस्ट इन आवर हार्ट. भगवान की लीला जो है अलग अलग स्तर पर होती है और उनके धाम में हमेशा वो लीला चल रही है. तो वो जो लीला है वो टाइमलेस है, उसे काल से मर्यादित नहीं, हमेशा भगवान की लीला कर रहे हैं. जो इस भौतिक जगत में इतिहास के रूप में आते हैं तो वह एक समय पे हमको प्रदर्शित होते हैं पर उसका उद्देश्य क्या है कि द डिसेंट ऑफ द डिवाइन इज टू इंस्पायर द असेंट ऑफ द यूनिवर्स. भगवान ऊपर से नीचे आते हैं ताकि हम नीचे से ऊपर जाएं.
तो भगवान की लीला काल के परे है, वह इस काल के जगत में आते हैं और उनका उद्देश्य होता है कि हमें काल से ऊपर उठाएं। तो टाइमलेस का मतलब है कि जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हम इस भौतिक जगत के ऊपर उठ जाते हैं और यह जो भगवान की लीला में प्रवेश होता है वह हमारी चेतना से होता है। तो जो प्रभुपाद जी थे वो कहा करते थे कि अगर हमारे पास हमारी सुविधा होती तो हम रोज एक उत्सव करते। भक्तों ने पूछा कि इतने उत्सव हैं? प्रभुपाद जी बोले कि आध्यात्मिक जगत में हर एक दिन एक उत्सव होता है। तो अभी हम सुबह मंगल आरती करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, अभी अगर हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है सारे विश्व भर में फैला है। तो मैं अभी ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ रहा था तो वहाँ पे वो प्लेन के टीवी प्लेन में टीवी होता है तो वहाँ पे मैप दिखता है। तो मैप पे मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि हमारा कृष्ण भावनामृत के केंद्र कहाँ कहाँ है। तो अगर हम जैसे पूरे पृथ्वी का परिक्रमा करते हैं, न्यूजीलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान, फिर इंडोनेशिया, मलेशिया, रशिया, भारत, तो अभी ऐसे हैं कि लगभग हर एक लैटिट्यूड, मेजर लैटिट्यूड, हर एक जगह पे भगवान का, कृष्ण का मंदिर है। प्रभुपाद जी की कृपा से कृष्ण भावनाओं का आंदोलन। तो जो अभी रथ यात्रा हमने आज की है इसे वह टाइमलेस में बात की, रथ यात्रा में आता हूँ मैं पर, क्योंकि अगर मंगल आरती देखते हैं हम, अगर हम एक तरह से देख सकते हैं कि जब न्यूजीलैंड में 4:30 बज जाते हैं वहाँ पर वक्त मंगल आरती करते हैं, वहाँ पर जब मंगल आरती ख़त्म हो जाती है तभी मेलबर्न में मंगल आरती शुरू हो जाती है। जब मेलबर्न में मंगल आरती खत्म हो जाती है तभी एडिलेड में मंगल आरती शुरू हो जाती है। एडिलेड में मंगल आरती खत्म हो जाती है, पर्थ में मंगल आरती शुरू हो जाती है। पर्थ में मंगल आरती खत्म हो जाती है, जापान में शुरू हो जाती है। जापान में खत्म हो जाती है, सिंगापुर में शुरू हो जाती है। सिंगापुर में खत्म हो जाती है, इंडोनेशिया में शुरू हो जाती है। ऐसे 24 घंटे भगवान का गुणगान हो रहा है। ये प्रभुपाद जी की असीम कृपा है। उसी तरह से अगर हम रथ यात्रा देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में हो, अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, हर एक महत्वपूर्ण शहर में आज रथ यात्रा हो रही है। और रथ यात्रा जो है यह कोई व्यक्ति कहीं भी हो उन सबको एक दिव्य आनंद का अनुभव होता है। यह हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं और हमारा चेतना भगवान को उठा सकती है। जो भगवान की लीला एक समय पे हुई थी पर उस एक समय पे सीमित नहीं है, वो क्या है, अनंत काल में हर समय में वो दोहरा सकती है। और जब रथ यात्रा होती है उसका उद्देश्य है कि हम भगवान का प्रवेश हमारे हृदय में है। जगन्नाथ स्वामी हमारे आँखों के पथ में भगवान आ जाए, उसके द्वारा भी हमारे हृदय में आ जाए। ये तो जब हृदय में आ जाते हैं तो फिर भगवान की स्तुति हमेशा होती है। ये टाइमलेस और आखिरी जो एच है हैप्पीनेस, जो है हम सब सुख की खोज में, और भगवान भी आते हैं वहाँ हम सबको सुखी बनाना चाहते हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि शास्त्र ने बताया है जगत दुखालय है, वो सही है, पर क्या है कि भगवान ऐसे नहीं है कि भगवद्गीता की शुरुआत में जो अर्जुन है वो दुखी है, वो अर्जुन उनके आँखों से आंसू आ रहे हैं, तब तथा कृपया भविष्य अश्रु पूर्णा कुले क्षणम, क्योंकि आंखों से आंसू आ रहे हैं और भगवान भगवद्गीता में बताते हैं कि जग दुखों से भरा हुआ है। तो भगवान ये नहीं कहते हैं हे अर्जुन तुम दुखी हो
ये जब दुखा रहे हैं एकदम दुखी रहो, ऐसे भाव नहीं है। भगवद गीता के अंत में क्या हो जाता है, अर्जुन तो भगवान जो आते हैं भौतिक जगत में हमें सुख प्रदान करने के लिए आते हैं। जगन्नाथ यात्रा का भी उद्देश्य है कि वही भगवान का उद्देश्य हम सबको सुख प्रदान, पर जो सुख है वह एक बड़ी रहस्यमय चीज है। इसे कि जो हैप्पीनेस इज बेस्ट एक्सपीरियंस एज अ बाय प्रोडक्ट नॉट एज अ प्रोडक्ट। जब हम सुख के पीछे जाते हैं तो वो सुख अनुभव नहीं होता है। ये मान लीजिए हम सब सुख चाहते हैं, पर आप में से किसी को कॉमेडी अच्छा लगता है, किसी को हंसना अच्छा लगता है, अगर कोई नहीं बोलेगा तो थोड़ा अजीब लगेगा, किसको हास्य अच्छा लगेगा। थैंक यू। तो हम सबको तो अच्छा जोक हो रहा है, कॉमेडी हो रहा है, अच्छा लगता है। पर मान लीजिए अगर कल हमें कोई बोल देगा कि आज से तुम्हें कोई आर्थिक जिम्मेदारी नहीं है, कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है, आज से तुम जिंदगी भर सुबह से रात तक कॉमेडी देखते रहो और जिंदगी भर कुछ नहीं करते, तो क्या हमें आनंद होगा? आधा एक घंटा दो घंटा की मिनट, ठीक है, कुछ करना है मुझे। क्या है कि कॉमेडी में हम हंसेंगे, पर व्हाट वी वांट इज नॉट जस्ट हैप्पीनेस, वी वांट मीनिंगफुल हैप्पीनेस। हमें केवल सुख नहीं चाहिए, हमें अर्थपूर्ण सुख चाहिए। पहले जो छोटा बच्चा होता है तो कोई रिश्तेदार के घर में आ जाते हैं, तो बच्चे से थोड़ा मजा करने के लिए उसको गुदगुली करेंगे, अरे गुदगुली करेंगे तो क्या होगा, बच्चा हंसने लग जाएगा, मारे हंसने लग गया। तो अभी जब कोई हंस रहा है तो क्या वो खुशी है, क्या वो आनंद है? कह सकते हैं हाँ, एक प्रकार का आनंद है वो। पर अगर उसी को हम आनंद कहेंगे तो क्या है उसको, अभी वैज्ञानिक एक इस प्रकार का मशीन बना सकते हैं कि हमेशा गुदगुली होते रहे और हमेशा जिंदगी भर हंसते रहे, क्या वो सुख है? नहीं, ठीक है, निकाल दोगे, मुझे हंसना नहीं है, कुछ करना है मुझे। तो क्या है कि हमें सुख चाहिए, पर हमें वी वांट मीनिंगफुल हैप्पीनेस। और ऐसे नहीं है तो भी नहीं, जो सुख है वो कैसे मिलता है? हम सब सुख की खोज में है, पर श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि सुख कैसे मिलता है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। क्यों भगवान की भक्ति? कि हम सबके पास हमारे जीवन में सबके, अगर हम देखेंगे तो कुछ दुख है कुछ सुख है। अगर हम तुलना करेंगे तो हमें लगेगा कि सुख तो काफी ज्यादा है, दुख कभी कभी लगेगा सुख काफी है दुख कम है, कभी कभी लगेगा दुख ज्यादा है सुख कम है, यह थोड़ा बदल होते रहता है हमारे जीवन में। पर जब हम वास्तव में देखते हैं जो असली सुख तब आता है जब हम कुछ अर्थपूर्ण कार्य करते हैं, जब हम कोई जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। तो कैसे होता है कि अगर हम सिर्फ सुख की खोज करते हैं तो वो अर्थहीन हो जाता है, और दूसरी समस्या आती है कि अगर हम सिर्फ सुख का खोज करते हैं तो कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी जब सुख नहीं होगा। मान लीजिए अगर हम बीमार हैं, मान लीजिए हमें बहुत काम है, मान लीजिए हमें कुछ क्लेश जा रहे हैं, तभी सुख नहीं है। और फिर अगर हम सुख ही हमारे जीवन का उद्देश्य है तो तभी हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सुख है ही नहीं मेरे जीवन में, आगे कैसे बढ़ेंगे? सो हैप्पीनेस इज टू cheap and too fragile a purpose for our life. जो सुख है केवल सुख ही जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता, जीवन का उद्देश्य उससे बहुत ऊंचा है, और वो ऊंचा अर्थपूर्ण कार्य करते हैं तो उससे जो सुख है ये एक बाय प्रोडक्ट है।
एक साइड में मिलने वाले फल के रूप में आ जाओगे। तो वो पूछक कर कार्य क्या है, सवैं सां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे और हरि तुति अपरिहता ययात्मा सुप्रसीदति। जब भगवान की भक्ति करते हैं तो वो हमारा भाव होता है कि मुझे सेवा करनी है, मुझे भक्ति करनी है। जब वो भाव रहता है तो उससे क्या होता है, हमें सुख अपने आप मिल जाता है, क्योंकि भगवान जो है वो एक सब सुख सागर सब गुण आगर, वो सब सुखों के सागर है। जब हम उसे सेवा करने लगते हैं तो उससे ही हमारा संबंध उससे जुड़ जाता है। जब संबंध जुड़ जाता है तो उसी में हमको आनंद मिलता है। तो भगवान से अगर हमें तबरन सुख का अनुभव करना है तो भगवान की सेवा करने की जिम्मेदारी है। कि अगर मैं मेरे जीवन में आते कैसे आएगा, अगर मैं भगवान की सेवा करूँ। भगवान की सेवा अलग अलग पद्धति से कर सकते हैं, हम जप कर सकते हैं, हम मंदिर में आके सेवा कर सकते हैं, हमारे इस घर की जिम्मेदारी है, हमारी नौकरी है, उन सब को हम सेवा भाव में कर सकते हैं। ये सिर्फ ये मैं पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ, मैं ये भगवान की सेवा भी कर रहा हूँ। इस पैसे से मैं घर को मंदिर बनाऊँगा, मैं सेवा करूँगा भगवान की। जब ये भाव रखेंगे सेवा भाव, तो क्या होता है, उससे हमारा संबंध भगवान से जुड़ता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें कैसा पता चलता है कि हम कृष्ण भावना भावित है, कहते हैं कि अगर आप मंदिर में आते हो और भगवान का दर्शन करते हो तो आपको लगता है कि भगवान मुझे पूछ रहे हैं, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि भगवान मुझे पूछ रहे हैं, आप मेरे लिए क्या सेवा कर रहे हैं, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं, तो हम कृष्ण भावना भावित हैं। अधिकांश लोग मंदिर में आते हैं और भगवान से पूछते हैं, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं। ये मैंने ये आपने नहीं किया, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है। जो गोपियों का भाव था, इसे रथ यात्रा का उत्सव आ रहा है, गोपियों का भाव चाहेगी हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे जब गोपियाँ हैं वो कोई बहुत ही बलवान स्त्रियाँ नहीं है, वो कोई आजकल के वंडर वूमन जैसे कोई नहीं है, वो भागवत में एक शब्द होता है अबला होता है, पर फिर भी गोपियाँ क्या कर रही है, वह अपने हाथों से चाहते कि हम खुद भगवान के रथ को खींचें। ये भाव क्यों है, क्योंकि उनका प्रेम है, वो सेवा करना चाहते हैं। आध्यात्मिक जगत में अलग अलग प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, पर जब राधारानी को कुछ बनाना है भगवान के लिए, उनको कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन बनाना है, तो वो कल्प वृक्ष नहीं कहते हैं, कल्प वृक्ष इन्हें बन गया, वो खुद सेवा में आना, क्योंकि क्या है, उस सेवा में ही आनंद है। तो जब हम भगवान का सेवा भाव हमारे जीवन में अनुशील करते हैं तो फिर उससे आनंद अपने आप महसूस होगा। अगर हम आनंद खोजने जाएंगे तो जो भी चीज़ हमें आनंद देगी, कुछ चीज़ के लिए कुछ आनंद देगी, पर बाद में वही निरानंदी बन जाएगी, वही दुख का कारण बन जाएगा। पर अगर हम सेवा का भाव रखते हैं तो फिर उस सेवा से हमारे में और भगवान हम में भगवान में संबंध जुड़ जाता है, और उस संबंध से भगवान की स्मृति का भगवान के संबंध से एक आनंद हमें महसूस होता है। और वही जो रथ यात्रा के उत्सव का जो सबसे महत्वपूर्ण जो संदेश है कि हमें वो सेवा भाव में करना है। जिस तरह से गोपियों ने रथ को खींचा, जिस तरह से शतोपा जी ने सारे विश्व भर में रथ यात्रा का उत्सव स्थापित किया, उसी तरह से उसी सेवा भाव से हम सब भी भगवान के संबंध जोड़ सकते हैं। और जब इससे संबंध जुड़ जाता है तो फिर हमारा जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है, हम जो भी कर रहे हैं वो हमें परमार्थ की ओर ले जाता है, और उसी में जीवन का सर्वोच्च आनंद है। तो सारांश है आज हम चर्चा की किस तरह से रथ यात्रा का क्या महत्व है, कि हमारे जीवन में जो रोज का कार्य होता है उससे कुछ ब्रेक के लिए उत्सव होते हैं, तो जो भारतीय संस्कृति में उत्सव भगवान से केंद्रित होते हैं, जिससे कि वो ब्रेक से हमारी चेतना नीचे हो जाए फिर ऊपर उठ जाए। और रथ यात्रा से हमारी चेतना कैसे ऊपर उठ सकती है, उसके लिए चार पहलू देखें। आर क्या था किस तरह से भगवान की सेवा करनी है, तो भक्त हमेशा तत्पर है,
मेरे पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो सेवा करनी है, इस तरीके से योजना बना के। तो इसलिए गोपियाँ वो भगवान ऐश्वर्य भाव में द्वारका नरेश के द्वारका के रूप में नरेश के रूप में है, तो आप रथ में रहो और हम हमारे हाथों से आपको खींच के लेके जाएंगे और फिर हम भगवान को द्वारका के भाव से वृंदावन के भाव में ले जा रहे हैं। ये क्या था? तो भगवान का सौंदर्य जो है वह केवल एक रिश्ते का सौंदर्य हमारे आंखों से दिखता है और जगन्नाथ जी का सौंदर्य भी हमें आंखों से देख सकते हैं तो प्रेम क्या है, पर भगवान का सौंदर्य सिर्फ जो हमारे आंखों से दिखता है वो नहीं है, उनका जो करुणापूर्ण प्रेमपूर्ण भाव है वही पूरा सबसे बड़ा सौंदर्य है। और वो क्या है, हम देखा कैसे भले ही कोई भक्त गलती भी कर देते हैं भगवान अपनी योजना उन गलतियों से भी आगे बढ़ाते हैं। तो महाराज इंद्रद्युम्न वो उतावले होकर उन्हें देखा कि क्या हो रहा है, कुछ शिल्प हो रहा है कि नहीं, बीच में चले गए और जो रूप प्रकट हुआ वो भगवान का ही एक रूप था। तो जो भगवान जगन्नाथ हमारे आंखों की आंखें देखते बड़े आंखें हैं, तो वह छोटी से छोटे सेवा भी कर रहा है वो उसको देखते हैं और उसको उसको उसे आदान प्रदान करते हैं, उसे इंसाफ करते हैं। तो ये क्या था कि जो भगवान की लीला अनंत काल से आध्यात्मिक जगत में चलती है और वह कुछ समय के लिए भौतिक जगत में आती है, तो उसके द्वारा अगर हमारी स्मृति हम हमारी चेतना में लगाते हैं तो भगवान हमें इस भौतिक जगत के बढ़ा देते हैं। तो उस तरह से जो आज भगवान की कृपा से रथ यात्रा जो भगवान का गुणगान है सारे विश्व भर में दिन भर होते रहते कहीं ना कहीं, ब्रह्मा जी कृपा से जगन्नाथ रथ यात्रा साल के हर महीने हर हर जगह पे कहीं ना कहीं हो रही होती है। और एच क्या था? जो सुख है हम सब सुख चाहते हैं पर केवल सुख नहीं चाहते, कॉमेडी देखने में या गुंगुली करने में सुख है वो अर्थहीन सुख है, हम चाहते हैं अर्थपूर्ण सुख। और अर्थपूर्ण सुख कैसे आता है? जब हम हमारा जीवन जो परमात्मा है भगवान से जोड़ देते हैं, भगवान सब सुख से सबसे सागर है और सेवा भाव से हम उसे जोड़ लेते हैं तो फिर वो सेवा भाव से हम भगवान के संबंध से उसमें दिव्य सुख की अनुभूति करते हैं। तो जिस भी परिस्थिति में है हम, कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा, पर हम इस परिस्थिति में मैं भगवान की सेवा कैसे कर सकता हूँ, अगर वो जिम्मेदारी लेते हैं कि बुरा क्यों हुआ मेरे साथ, वो ऐसे क्यों हुआ, वो विचार को छोड़ के ठीक है ये परिस्थिति है भाई, इस परिस्थिति में जो भी मेरे साथ पास है उसके साथ में भगवान की सेवा कैसे कर सकता हूँ, वो भाव रखते हैं। वो मेरे पास कुछ भी नहीं था और जो भी है उसके मैं उसकी सेवा करती है, तो ऐसा भाव रखिए कुछ भी परिस्थिति होगी मैंने भगवान से सम्मान जोड़ के हम एक दिव्य सुख का अनुभव कर सकते हैं। जगन्नाथ भगवान की जय, जगन्नाथ यात्रा रथ यात्रा महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण।